संजय रॉय जैसे आरोपी जो इतनी बर्बरता कर सकते हैं किसी लड़की के साथ, रेप करने के अलावा मारा उसको बहुत बुरी तरह से, बहुत सारे चोट के निशान उसके शरीर पे आए और उसकी हत्या कर दी और उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, इस बारे में क्या करना? हम लोग जस्टिस चाहिए और कुछ नहीं। आपके आपके जो यहाँ पे कोठे हैं उन पे भी बहुत सारे लोग आते होंगे शराब पी के, बदतमीजियां करते होंगे, लेकिन ऐसे लोग कभी आपने इस तरह के ऐसे लोगों का सामना किया है जो आप मजबूरी में ये सब काम करते हैं पैसों के लिए, लेकिन इस तरह के ऐसे ऐसे किरदार भी कभी आते हैं सोनाकाची? मेरा तो कभी सामना नहीं हुआ, बस आसपास बहुत देखी हूँ, मेरा सामना कभी नहीं हुआ। क्या बताते हैं आपके साथी? क्या बताते, ऐसा तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, ये लोग ऐसा किया वैसा किया, मेरे साथ गलत किया, उसका व्यवहार सही नहीं है, ये सब बोलते हैं, हम लोग समझा बुझा के रखते हैं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, ये संजय रॉय के बारे में आपने सुना होगा, एक लड़की डॉक्टर के साथ उसने रेप किया, बलात्कार किया उसका, उसका मर्डर कर दिया, क्या सजा मिलना चाहिए ऐसे आरोपी को? इसका तो सजा तो मिलना चाहिए, कहीं हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं, हम एक लड़की हो के, हम एक यौनकर्मी हैं, लेकिन फिर भी एक लड़की हो के, एक लड़की का उसको जैसे हरकत किए है उसका साथ में, जैसे कड़ा से कड़ा सजा उसका भी दरोध होना चाहिए, ऐसे जैसे वो लोग किया है लड़की का साथ, तो उसका साथ में भी ऐसा घटना घटना चाहिए। आप मैडम मजबूरी में अपने जिस्म का धंधा करती हैं, अपने परिवार को पालती हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करती हैं, गवर्नमेंट भी आपके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, कभी आप लोगों का इस तरह के किरदार से सामना हुआ जो इस तरह के होते हैं, शराब पी के महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, बर्बरता करते हैं? नहीं है, इससे तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग भी देख सुन के भी क्लाइंट ले जाते हैं, जो लोग देखते हैं जो ज़्यादा शराब पी के पिए हुए है, जो उसका खड़ा होने का हिम्मत नहीं है, तो हम लोग ऐसे क्लाइंट के साथ डील भी नहीं करती हूँ। और क्या आप, पूरी देश उसके लिए फांसी की मांग कर रहा है ऐसे 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 आरोपी के लिए? फांसी का मांग करते हैं ठीक है, वो तो सरकार जो सजा देगा उसमें तो सरकार ही ये लेगा, हम लोग तो जस्टिस चाहिए एक लड़की होके, जो हम लोगों का भी, हम लोग ये रेड लाइट एरिया में है, लेकिन हम लोगों का भी मतलब ये घटना का बाद जो हम लोग खुद ही डर से हम लोग जी रहे हैं, जो हम लोगों का भी सेफ्टी चाहिए, हम लोगों का भी ऐसा चाहिए जो हम लोग सुरक्षित, मतलब कौन इंसान कैसा है, किस टाइम मेरा ऊपर भी हानि आ सकता है, हम लोग तो कोई किसी को नहीं पता है, तो हम लोग चाहिए जो ऐसा क्रियाक्रम जो और दूसरा किसी साथ ना हो। आप एक सेक्स वर्कर हैं हमारे साथ, उनकी उम्र लगभग 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो एक लंबा वक्त उन्होंने सोनाकाची में गुजारा है। मैडम बहुत सारी युवा लड़कियां भी हैं अभी सोनाकाची में किसी मजबूरी से, एक संजय रॉय के बारे में आपने भी टीवी में सुना होगा कि महिलाओं को छेड़खानी करता था अक्सर मोहल्ले में, और रेड लाइट एरिया में आता था शराब पी के अक्सर, अपनी 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 संतुष्टि करने के लिए, एक तरीके से अपनी जो उसके अंदर एक बीमारी टाइप में आप उसको बोल सकते हैं, आपको लगता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो समाज के लिए कहीं ना कहीं नुकसान देने वाले हैं? लड़की लोग समाज कस्टमर देख के लेता है, कोई दारू पीता है, कोई बीमारी लगता है तो उसका चेहरा देख के देखते हैं, जे कस्टमर लेने से मेरा खोती हो जाएगा तो कस्टमर लेता नहीं, जो सच्चा में बहुत दिखता अच्छा है, जो चल सकता है, देख सकता है, अच्छा व्यवहार करेगा, ये आदमी के ले सकता है, लेकिन जो दारू पी के रास्ता चल नहीं सकता उसको लेके वो जाएगा तो घर में झूठ झमेला करेगा, इसलिए वो लोग कस्टमर को लेते हैं। आप भी मैडम एक माँ हैं, आपके भी बच्चे होंगे और लगभग उतनी उम्र के बच्चे होंगे जितने उम्र की वो लड़की थी, उस माँ परिवार पे क्या गुजर रही होगी, आप भी ये फील कर सकती हैं, भले ही आप सेक्स वर्कर हैं, आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को खुश करती हैं पैसे में। देखिए जो वो लड़की को साथ हुआ है, हम लोग सेक्स वर्कर हो सकता है, लेकिन हम भी एक नारी है, वो भी एक नारी है, लेकिन वो तो किसी का बेटी है ना, लेकिन वो एक तो डॉक्टर भी है, हम लोग जो कस्टमर आता है परिसेवा देता है ये सही बात है, लेकिन वो तो एक डॉक्टर है, वो किसी का जीवन बचाता है, लेकिन वो डॉक्टर को सर ऐसा छेड़ा है, ऐसा अत्याचार किया है, तो वो लोग को क्या करना चाहिए? वो लोग को फांसी तो कम होगा, लेकिन उसको जो मारा है जिस तरीक़ा से, उस तरीके से उसको अच्छा से समाज देख सके जी, ऐसा लड़की को ऐसा व्यवहार किया है और ऐसा आदमी को
देखे दशक देखे जी ये लड़की को छिरा था डॉक्टर को साथ यही सब किया है, इसीलिए ये सजा इसको यही से देना होगा, दशक देखेगा इसको जी सर। तो देखिए ये एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, करीबन 12,000 सेक्स वर्कर इस सोनाकाची में मौजूद हैं, जो अपना जीवन चलाने के लिए किसी मजबूरी में सेक्स वर्कर बनी हैं। इनके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, ये बकायदा वोटर हैं, ये वोट डालती हैं, सरकार इनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम करती हैं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी टीवी में सुना होगा संजय राय के बारे में कि अश्लील वीडियो देखता था, इसके मोबाइल से मिले हैं, और उसके बाद अश्लील वीडियो देखने के बाद ये लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। उस रात भी बताया जा रहा है इसने बहुत शराब पी, और ये अक्सर रेड लाइट एरिया जो है उसमें यहाँ पर आता था। आपको लग रहा है कि ये एक तरीके से यौन विकृति है? देखिए वो रेड लाइट एरिया में आता कि जाता मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग देखा नहीं कभी। लेकिन जो आरजी कोर में जो मोमिता देवनाथ जो डॉक्टर को रेप करके मार दिया, इसलिए हम लोग चाहते जो वो भी एक लड़की है, हम लोग भी एक लड़की है। सिर्फ कलकत्ता नहीं, बहुत जगह में ऐसे लड़की लोग के ऊपर अत्याचार होता है। हम लोग चाहते हैं अत्याचार जैसे ना हो, जो जो किया उसका शास्ति हो, हम लोग यही मांगता है। मैम आप क्या सजा की मांग करते हैं? आपने भी केस के बारे में सुना होगा, टीवी में देखा होगा। देखो ना मैं प्रथम बोलबो जे आमी एकजन नारी, तो नारी हिसेबे आमरा तो टीवी खबर टीवीओ देखी एवं खबरों सुनते पाई, তো মেয়েদের উপরে যেভাবে যে অত্যাচার জুলুম বা এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে যায়, মেয়েরা কোনো দিক দিয়ে সুরক্ষিত পায় না। তো সবাই আমরা চাই, আমাদেরও যেহেতু ছেলে মেয়েরা আছে, তারাও বড় হচ্ছে, তারাও কিন্তু রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে, সেই দিক দিয়ে আমরা সুরক্ষিত চাই। এবং এই ধরনের যে কেসগুলো ঘটে বা মেয়েদের উপর যেগুলো অন্যায় অত্যাচারগুলো হয়, এই সব আসামিদের আমরা চাই জাস্টিস। আমাদের ম্যাম আপ আপ লোকোকে পাস ভি কাস্টমার আতে হোগে আলাগ আলাগ তরিকে সে কোই শরাব পি কে বদতমিজি করতা হোগা আপকে সাথ জোর জবরদস্তি করনে কি কোশিশ করতা হোগা জো চিজ আপকো নাহি পসন্দ হে আপকো লাগতা হে কি ইয়ে ইয়ে এসে লোগো সে আপ লোগো কো ভি কহিন না কহিন সামনা করনা পড়া হে নাহি হাম লোগ কোন কাস্টমার সে ডিল করনে জানতে হে हम लोग अपने 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 मर्जी से यहाँ धंधा करते हैं। कोई ज़बरदस्ती करेगा तो हम लोग नहीं छोड़ने वाले, उसको हम लोग नहीं लेके जाते हैं, ज़बरदस्ती हम लोग काम नहीं करते। और ऐसे आरोपी का क्या करना चाहिए जो अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर लोगों की जान बचाती है उसके साथ रेप करता है, उसकी जान लेता है? ये बहुत गलत हुआ, इसके लिए हम लोग बोलते हैं हम लोग को जस्टिस चाहिए, हम लोग को विचार चाहिए, फांसी से भी बड़ा कुछ होता वो चाहिए, मतलब उसको देखना चाहिए, पूरा दुनिया देखे उसको सजा मिला। तो देखिए ये सोनाकाची के सेक्स वर्कर हैं जो बता रहे हैं कि बहुत सारे कस्टमर इनके पास आते हैं पैसे से और अपना वक्त गुजारने के लिए, लेकिन जिस तरह से संजय राय ने व्यवहार किया, जिस तरह से संजय राय की मनोस्थिति है, जिस तरह से संजय राय अश्लील वीडियो देखता था, लगातार वो रेड लाइट एरिया में जाता था, यहाँ की तमाम सेक्स वर्कर का कहना है कि इस तरह के आरोपी को कड़ी सजा मिलना चाहिए, अगर फांसी से भी बड़ी कोई सजा है तो वो मिलना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जिस बर्बरता के साथ उसने उस डॉक्टर को मारा है, उसी बर्बरता के साथ उसको जो है अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। तो ये एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया जिसमें 12,000 सेक्स वर्कर हैं, उसमें से कुछ सेक्स वर्कर आज कैमरे पर तैयार हुई बात करने के लिए, और उन्होंने अपनी आपबीती बताई कि इस घटना के बाद उनके अंदर भी गुस्सा है, उनके अंदर भी रोष है।